Morning students, welcome to biology class. So today I am going to discuss about the new topic, that is the Jello-Fabry's connective tissue in connective tissues proper de vich. Haan ji bachche, assi Jello-Fabry's padhange. Idi structure ki hai, modified areolar connective tissues hunde ne. So is de vich ki hai, matrix is with numerous closely packed thick yellow or elastin fibers hundiyan ne. हाँ जी बच्चे तुसी इस डायग्राम दे विच देख सकते हो साडे कोले की है मतलब कि मैट्रिक्स दे विच येलो थिक जिहड़ा इलास्टिन फाइबर्स नज़र आ रही हैं येलो कलर दियां तुहानूं ठीक है इसनूं की बोलते हैं Jello-Fabry's connective tissue बोलिया जाता वा फिब्रोब्लास्ट जिहड़े हैगे ने लाइज इरेगुलरली इन द मैट्रिक्स फिब्रोब्लास्ट जिहड़े हैगे ने ओह की पाए हुंदे ने मतलब इरेगुलरली बच किते किते खंडे पए हुंदे ने उन्हां मतलब इरेगुलर वे दे नाल होणगे इलास्टिन एंड फ्लैक्सीबल हुंदी आ इन नेचर दे विच दैन राजे साडे कोले की आ जांदा पोजीशन एंड फंक्शन आ जांदी है Jello-Fabry's connective tissue दी इट फॉर्म शीट्स इन लिगामेंट लिगामेंट दे विच शीट्स बनाउण दे काम आउंदे ने द वॉल ऑफ द ब्लड वैसल्स लंग्स एंड ब्रोंकियोस लिगामेंट्स जॉइन बोन्स एट द जॉइंट्स हाँ जी बच्चे ये की करते हैं बोनस जोड़े है लिगामेंट्स की करते हैं बोनस न आपस बोनस के नाल ही कोनैक्ट कर काम करते हैं उस शीट्स जोड़े है फॉर्म होंदिया ने विद द हैल्प ऑफ Jello-Fabry's connective tissues के राही आलसो हैल्प इन रिकवरी ऑफ ब्लड वैसल्स एंड लंग्स की रिकवरी के लिए यूज होंगे ने नैक्सट वन साढ़े को जाता एडीपोज टिशूज आ जाते हैं एडीपोज टिशूज की होंगे ने ये भी रजे एरियोलर मॉडिफाइड होए हुए एरियोलर टिश्यूज़ ने इन दे विच जिहड़ा हैगा वा मैट्रिक्स इज पैकड विद लार्ज स्फेरिकल फैट सैल्स और एडीपोसाइट्स प्रेजेंट होंगे ने फैट सैल कह दें स्फेरिकल सैल जिहड़े हैगे ने एडीपोज टिश्यूज मतलब फैट सैल जिहड़े हैगे ने जां एडीपोसाइट्स प्रेजेंट होंगे ने ईच फैट सैल हैज़ आइदर अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड द मोनोलोकुलर इन वाइट फिब्रस और येलो फैट हो सकती है वो नंबर ऑफ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होंगे इन द मिडल उन्होंने असी पॉलीलोकुलर का नाम के नाल उसनू ब्राउन एडीपोज टिशू के नाम नाल जानते हैं सो दैट इज़ अ न्यूक्लीयर इन एक्सेंट्रिक हाँ जी बच्चे ध्यान दो इस डायग्राम के साढ़े को 30 डायग्राम हैगी एडीपोज टिशू की इस पाए ने वाइट फाइबर्स पईआं ने एम्पटी फैट सैल्स पए ने फैट ड्रॉपलेट्स तुहानूं नज़र आ रहे ने दिस वन इज़ द फैट ड्रॉपलेट्स ओके फैट ग्लोब्यूल्स आ देखो सारा ही जिहड़ा मतलब कि जिहड़ी हैगी आ फैट सैल है उस दे विच पूरा जिहड़ा हैगा फिलअप होया होया वा फैट ग्लोब्यूल ते फैट ड्रॉपलेट्स जिहड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स हैगे ने मैट्रिक्स दे विच प्रेजेंट होणगे ते इस दे विच जिहड़े आ तुहानूं नज़र आ रहे ने कनैक्टिव टिशू इस दे विच की होणगे फैट सैल प्रेजेंट होंगे फैट सैल दे छोटे छोटे पए ने मतलब कि फैट ग्लोब्यूल्स कहांगे असी उन्हां नूं फैट ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं तो फैट ग्लोब्यूल जिहड़ा हैगा वा पूरे का पूरा फिलअप किया होगा फैट सैल नूं हाँ जी बेटा नैक्सट वन इज़ द पोजिशन तो फंक्शन की गल करिए बनैंथ द स्किन मतलब सानू स्किन दे नीचा नीचे जिहड़ा हैगा मतलब कि एरिया उत्थे सानू मिलदे ने हाँ जी राजे अराउंड डेलीकेट ऑर्गन्स ने लाइक किडनीज आइज एंड हार्ट दे भी सानू मतलब कि उत्थे भी देखण नू मिलदे ने ते उस तो बाद की करदे एडीपोज टिशू एक्ट एज ए फैट स्टोरिंग टिशू मतलब फैट बॉडीज़ इन फ्रॉग दे विच प्रेजेंट हुंदियां फैट स्टोरिंग जिहड़े हैगे ने मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज़म दे विच प्रेजेंट हुंदे ने ये फैट नू स्टोर करन वाले टिश्यूज़ दैन असी कहने आ शॉक अबजॉर्बर ने ये मतलब कई बार सानू इंजरी लग जांदी जां शॉक लग जांदा कुछ भी ठीक है अराउंड किडनीज़ जिहड़े आई वॉल्स दे अकॉर्डिंग जिहड़े ये प्रेजेंट हुंदे ने तां मतलब कोई भी सानू मतलब कि शॉक तो बचाउण दे लई जिहड़ा हैगा वा यह उत्ते हैल्प करते हैं ताकि सानू कोई इंजरी ना हो सके दैन रैटिकुलेट टिशूज की गल करिए स्ट्रक्चर मॉडिफाइड एरियोलर कनैक्टिव टिशू होंगे ने मैट्रिक्स इज फ्लूडी होएगा इन नेचर होएगा सॉरी फ्लूड वर्गा नेचर होएगा यदा दैन नंबर जिहड़ा कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट शेप्ड जिहड़े हैगे ने मतलब रैटिकुलर सैल्स प्रेजेंट होंगे दैन उस तो बाद की आ प्रोटोप्लाजमिक प्रोसैसिज ऑफ अर्थ ज्वाइनिंग सैल्स आर इंटरकोनैक्टड टू फॉर्म क्लोज नैटवर्क की जोड़े प्रोटोप्लाजमिक प्रोसैसिज ने
ठीक है, प्रोटोप्लाज्म दे विच जिहड़ियां प्रोसैसिज होणगियां वो आपस च इंटरकोनैक्ट होकर एक क्लोज नैटवर्क फॉर्म करनगियां। तुसीं नीचे डायग्राम दे विच देख सकते हो जिहड़ियां उहदे विच सक्री रैटिकुलर सैल्स की सक्रीट करनगे, रैटिकुलर फाइबरस ते प्रोटीनस बनाउणगे, उसनूं रैटिकुलम दा नाम दिंदे आ असीं। ठीक है, हाँ जी, ये भी की है रैटिकुलम की है, मॉडिफाइड कोलाजन नाँ की ही एक टाइप है। दैन पोजिशन दे फंक्शन देखते हैं, हाँ जी, ये कितने सानू स्पलेन थाइमस ते टॉन्सल जिहड़े हैगे ने, लिम्फ नोड, लिवर, बोन मैरो ते लैमिना प्रोपेरिया ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्टोमैटा दे विच सानू देखण नू मिलदे ने। इन्हां दा रैटिकुलेट कूलर सैल्स का जिहड़ा फंक्शन आ उह की है, फेगोसाइट आ। फेगोसाइट मतलब कि इनगल्फ कर लैंदे ने, मतलब कि जिहड़े लार्ज साडे कोले पार्टिकल्स ने, कह दो लाइक मतलब कह सकते हैं असीं भी जिवें बाहरों कोई इनफेक्शन आ गई उसनू इनगल्फ करन दे विच हैल्प करदे। नीचे असी देखांगे कि साढ़े कोले की है, डायग्राम हैगी है रैटिकुलर कनैक्टिव टिशू की। सो स्टूडेंट ध्यान दो, ये की है, देखो येलो जिहड़ा हैगा वा साढ़े कोले फाइबरस दे विच एक मतलब कि रैटिकुलर फाइबरस का नैटवर्क बनया हुआ वा। ठीक है, दैन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसैस है ने, येलो कलर की तुहानू नज़र आ रही, उस ब्लैक कलर के रैटिकुलर जिहड़ा हैगा वा फाइबरस अटैच हुई हुई ने, जिहड़ा कि रैटिकुलर सैल बढ़ाउंदियां ने। ठीक है बच्चे, इस तरीके नाल इहदा अरेंजमेंट होएगा ते फंक्शन की आ, फेगोसाइट्स की तरह फंक्शन करनगे। फेगोसाइट्स का फंक्शन हुंदा कि जिहड़े बाहरों इनवेडर्स ने जिहड़े उहनां नूं इनगल्फ करके ख़त्म कर देना। नैक्सट साढ़े को एक डिफरेंस आता बच्चे टेंडोनस से लिगामेंट्स के वैरी वैरी इंपॉर्टेंट। तो टेंडोनस की होंगे ने, वाइट फाइबरस कनैक्टिव टिश्यूज़ होंगे ने, ते लिगामेंट्स की होंगे ने, येलो फाइबरस कनैक्टिव टिश्यूज़ होंगे ने। सो स्टूडेंट्स जिहड़े टेंडोनस ने एक ही होंगे ने, रोज बिटवीन बंडल्स ऑफ वाइट फाइबरस, मतलब कि इन्हां दीआं की होंदीआं ने लगातार रोज होंदीआं ने, मतलब कि वाइट फाइबरस के बंडल बना देंगे ने। राजी जिहड़े लिगामेंट्स होंगे ने स्कैटर होए होंगे ने मैट्रिक्स के विच, ते नेचर ऑफ जिहड़ा हैगा मतलब एक इहदी गल कर रहे सी जिहड़े फिब्रोब्लास्ट्स ने, फिब्रोब्लास्ट बंडल दी फॉर्म दे विच होणगे इन द केस ऑफ टेंडोन, बट फिब्रोब्लास्ट स्कैटर होए होणगे मैट्रिक्स दे विच इन द केस ऑफ लिगामेंट। बट नेचर दी गल करिए जिहड़ा मतलब कि टफ ते नॉन फ्लैक्सीबल हुंदा टेंडोन दा नेचर, एंड लिगामेंट्स जिहड़े हैगे ने इलास्टिक ते फ्लैक्सीबल इन नेचर हुंदे ने। हाँ जी बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेंडोन दैट इज़ जॉइंट्स मसल टू बोन्स, मतलब मसल्स नू बोन्स दे नाल जोड़न दा काम कौन करते हैं टेंडोनस, ते लिगामेंट्स की करते हैं जॉइंट्स बोन्स टूगैदर, मतलब हड्डियां नू आपस च जोड़न दा काम करते हैं। सो इस दे नाल ही रजे जिहड़ा हैगा साडा मतलब कि कनैक्टिव टिश्यूज़ खत्म हो जाते हैं। नैक्सट टॉपिक असीं स्कल्टन टिश्यूज़ करांगे। सो थैंक यू।